चैनल किचन किंग आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं सेजवान चटनी की रेसिपी, वो भी एकदम इजी मेथड में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी और यम्मी बनी है। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सेजवान चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये 60 ग्राम हमने लाल मिर्ची ले ली है। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। हमने इसे 8 घंटे पानी में भिगो के रखा था। पहले हमने इसे एक बार वॉश कर लिया, उसके बाद हमने एक पानी में इसे भिगो के रखा। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसे हम यूज़ नहीं करेंगे बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और ये हमने 60 ग्राम अदरक ले लिया, उसकी स्किन हमने उतार दी है। और ये हमने लहसुन ले लिया, ये भी हमने 60 ग्राम लिया। हमें तीनों मेजरमेंट एक जितनी ही लेनी है, न कम न ज़्यादा। अगर आप लहसुन को देखेंगे ना तो हमने 2 पूरे नॉट्स हमने ये कट कर लिए हैं। और ये हमने ऑयल ले लिया, नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। ये हमने सॉल्ट ले लिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने 1 स्पून विनेगर ले लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम मिक्सर का एक छोटा सा जार ले लेंगे, चटनी जार होता है ना वो ले लेंगे। उसमें हम ये लहसुन और अदरक को साथ में ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। अब हमने लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट नहीं बना दिया है, इसको हल्का सा दरदरा रखना है। हमें इस तरीके से पीसना है, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बना देना है। जैसे हम लोग चाइनीज़ के लिए हल्का सा ग्राइंड करते हैं ना, वैसे ही ग्राइंड करना है। अब हम दूसरे जार में या आप चाहे तो उसी जार में मिर्ची को भी हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हमने मिर्ची को एक दूसरे जार में डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए। अब हम इसमें 1/2 कप पानी भी डाल के इसे बाद में ग्राइंड कर लेंगे। जैसे फाइन पेस्ट बनानी है इसकी हमें, आप देख सकते हैं। अब हमने मिर्ची को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए और इतना ही फाइन पेस्ट करना है हमें। अब आगे का हम लोग आपको प्रोसीजर बताने जा रहे हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने ये 1 लीटर नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले लिया है। घी को थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम पहले इसमें लहसुन और अदरक वाली पेस्ट डाल देंगे और इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ना लो ना हाई। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये एकदम इजी मेथड है घर पे सेजवान चटनी बना के रखने का। अगर आपके घर पे सेजवान चटनी बनी हुई पड़ी रहेगी तो आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे सेजवान फ्राइड राइस, चाउमीन में आप इसे डाल सकते हैं या और काफ़ी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। अब हमारी अदरक और लहसुन की पेस्ट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें रेड मिर्ची वाली पेस्ट ऐड कर लेंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके ऊपर सॉल्ट डाल लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है। हमने सॉल्ट को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं इसके साइड से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स ये अच्छे से बन चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें विनेगर डाल देंगे। अब हमारी सेजवान चटनी को हमने 1/2 घंटा छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, अब ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे और इसे मिक्स करके एक जार में डाल देंगे। आपको हो सके तो इसको कांच के ही जार में डालें, वरना ये ख़राब हो जाएगी और इसे रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर।
अब हमारी सेजवान चटनी बनके तैयार है। आप इसे किसी भी डिपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।